और इस वक्त आप देख रहे हैं स्टार अनुभव न्यूज। आज पूरा देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। चारों तरफ 76वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबे हैं सभी लोग। वहीं कोलकाता के एकता इंडिया फाउंडेशन की तरफ से 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। झंडा फहराकर मिठाइयां बांटकर एकता इंडिया फाउंडेशन की तरफ से 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मौके पर मौजूद रहे बाहुबजा रोसी, उदय भट्टाचार्य, काउंसिलर और वोडोचार की चेयरपर्सन रिहाना खातून, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और स्टार अनुभव की एडिटर इन चीफ शुभम तिवारी, प्रेसिडेंट हसीबुर रहमान, एजाज अहमद वाइस प्रेसिडेंट, मोहम्मद शौकत अली जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद कलीमुद्दीन सेक्रेटरी, मोहम्मद अली अख्तर ट्रेजरर, शाहिद इकबाल मोहम्मद इकबाल और एकता इंडिया फाउंडेशन के सभी मेंबर भी इस मौके पर मौजूद रहे। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एकता इंडिया फाउंडेशन के जश्न की हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को हाथ में छोटे छोटे तिरंगे लेकर देखा गया, जो 76वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे थे। मोहम्मद हसीबुर रहमान, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट एकता इंडिया फाउंडेशन। आज आप लोगों के यहां से झंडा अर्पण किया गया। सेंट्रल कोलकाता के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नज़दीक ये 75वां योम आज़ादी मनाया जा रहा है। एकता इंडिया फाउंडेशन की जानिब से तमाम देशवासियों को एकता इंडिया फाउंडेशन की जानिब से बहुत बहुत आज योम आज़ादी मुबारक हो। आज कौन-कौन थे इस मौके पर? आज इस मौके से बाहुबजार थाना के ओसी श्री देवजी भट्टाचार्या और बोरो 5 के चेयरपर्सन मोहतरमा रिहाना खातून, वार्ड काउंसिलर 44, जिन्होंने ये श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने झंडा तुलन किया और उनका सहयोग उनको साथ दे रही थी मोहतरमा रिहाना खातून, बोरो 5 के चेयरपर्सन और वार्ड के 44 के काउंसिलर। एकता इंडिया फाउंडेशन, एकता इंडिया फाउंडेशन बेसिकली एजुकेशन पे काम करती है, उसके साथ साथ दबे कुचले लोगों के साथ खड़ी रहती है। मेडिकल कॉलेज में बहुत हॉस्पिटल वगैरह में इलाज पानी के लिए भी उनको सहूलत देती है। इसका मेन मकसद है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा होगा तो ही देश बढ़ेगा। आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी थे बाहुबजार ओसी ऑफिसर इंचार्ज श्री बुद्धिदेव भट्टाचार्य, बोरो 5 के चेयरपर्सन मोहतरमा रिहाना खातून, स्टार अनुभव के शुभम तिवारी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट एजाज अहमद, मैं मोहम्मद हसीबुर रहमान प्रेसिडेंट, मोहम्मद अली अख्तर ट्रेजरर, मोहम्मद कलीमुद्दीन सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद शौकत अली जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद शाहिद इकबाल खान, मोहम्मद सुलेमान एग्जीक्यूटिव मेंबर, मोहम्मद सलीम एडवोकेट एडवाइजर कमेटी बोर्ड और हमारे इलाके के सब मेंबर हजरत इसमें शामिल हुए। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, इन्होंने इसमें प्रोग्राम में शामिल होकर कर हमारी हौसला अफजाई की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। एजाज अहमद है, मैं एकता इंडिया फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी फाउंडेशन जो है मतलब एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा काम करती है और हम लोग की कोशिश है कि मोहल्ला से शुरू किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा भी और दूर तक का सोच रखते हम लोग और दूर तक जो है करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम लोग जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं लोगों को, ताकि हम लोग अपने अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई और गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाने की कोशिश करें। मोहम्मद कलीमुद्दीन सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी एकता इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ये बताइए, आज झंडा तुलन किया गया है 75वें साल में, हर साल किया जाता है इस एकता इंडिया फाउंडेशन की तरफ से? हाँ, ये हम लोगों की तरफ से आज फ्लैग होस्टिंग हुआ है 15 अगस्त का, ठीक है। ये उसमें हमारी मोहतरमा रिहाना खातून थी मौजूद और बाहुबजार के ओसी थे अभिजीत भट्टाचार्य, उन दोनों ने मिलकर के हम लोगों का फ्लैग होस्टिंग किया और हम लोगों का मकसद है कि बच्चे लोगों का एजुकेशन अच्छे से हो और गरीब लोगों की मदद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एकता इंडिया की जानिब से किया जाए। ये हम लोगों का यानी कि ये प्रोग्राम में ये सब बात बताया गया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की एजुकेशन और गरीबों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मेरा नाम है MD अली अख्तर, मैं एकता इंडिया के ट्रेजर हूँ और हम लोगों का जो फोकस है मेन तालीम और हेल्थ, ये सब जिससे हम लोग की कमेटी से जहाँ तक गरीबों का भला होगा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो सबको पूरा किया जाए और कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है अभी हम लोग कर रहे हैं। हर साल इस एकता फाउंडेशन
हर हर हाँ बेशक लॉकडाउन में जी ये लगभग 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इस पर गरीबी मेन हम लोग का गरीबों पर है और मतलब कि तालीम पे है और हेल्थ पे है, इस सब पर हमारा प्रोग्राम इस सब हमेशा रहता है और रहेगी, मालिक की मर्जी होगी तो हमेशा रहेगी और जहाँ तक होगा और बढ़ चढ़ के काम करेंगे। बस हमारे दोस्तों लोग का बस आशीर्वाद रहे, आप लोग का आशीर्वाद रहे। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल आदिल है और फिलहाल मैंने MA कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया है। जैसा एकता फाउंडेशन में पिछले 2 सालों से आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये क्या नाम है आसिफ अंकल बराबर जो है क्या नाम है कौम की खिदमत कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि एकता फाउंडेशन जो हर साल जो 15 अगस्त और 26 जनवरी में परचम कुशाई करता, साथ ही अगर इसके साथ ये 15 अगस्त 26 जनवरी में परचम कुशाई के बाद अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हमारे अंदर हमारे बच्चों के अंदर जो छुपी हुई सलाहियत है उसको उजागर करने के लिए अगर ये लोग सामने आते हैं ऐसा प्रोग्राम करते तो मैं चाहूँगा ये और इनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि हमारे नौजवान के अंदर बहुत सारी सलाहियत है, वो क्या है छुपी हुई है, उस चीज़ को बाहर लेकर के आना है। वो मैं चाहता हूँ एकता इंडिया फाउंडेशन के यहाँ पर जो मेरा मकसद इसीलिए था कि इन लोगों के सामने ये अपनी बात रखूँ जो वर्किंग प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, ताकि अभी हमारा माहौल जो है क्योंकि हमें एजुकेशन में आने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी फोकस जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा अभी एक नया स्लोगन आया जो हमारे क्या नाम PM साहब ने कहा हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा नहीं चाहिए, हर घर रोज़गार चाहिए। तिरंगा तो सारे सभी लोगों के दिलों में है, सबके दिलों में, अभी क्या रोज़गार चाहिए। बेरोज़गार नौजवान जो फिर रहे हैं तो उनको क्या है इस लाइन में एजुकेशन में आना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने कौम की खिदमत कर सके, और सिर्फ वो खिदमत ही नहीं कर सके क्योंकि एजुकेशन आने के बाद वो तो सिर्फ कागज़ डिग्री होता है। आपके अंदर अच्छा अखलाक आला तालीम होगा तभी लोगों की आप मदद कर सकेंगे। और आखिर में बस एक शेर के साथ के 15 अगस्त का मौका है, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत शुक्रिया।